नमस्कार दोस्तों, आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, अगर आप साधना से कुछ पाना चाहते हैं, जीवन में पूर्ण रूप से सक्सेस होना चाहते हैं, पूर्ण रूप से सभी सुखों को प्राप्त करते करते आध्यात्मिकता का सुख भी चाहते हैं, तो तीन चार बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, आप जिस भी गुरुजी के ऊपर विश्वास रखते हो, पूर्ण रूप से विश्वास रखें, पूर्ण रूप से उनको समर्पित हो जाएं, पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाएं। दूसरा, अपने इष्ट देव के ऊपर पूर्ण भरोसा रखें। इष्ट की आराधना, इष्ट की साधना आपको जीरो से बहुत बड़ा व्यक्ति बना सकती है। आप जिस भी श्रेणी में हो, आप अच्छे खिलाड़ी हो और अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे, गायक हो और अच्छे गायक बन जाओगे, छोटे बिजनेसमैन हो बड़े बन जाओगे, आर्टिस्ट हो अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे, छोटी जॉब करते हो बड़े में चले जाओगे, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा करना। बहुत से लोग कहते हैं मैं 2 घंटे साधना करता हूं, मैं 3 घंटे साधना करता हूं, फिर भी मैं बीमार रहता हूं, मेरा काम नहीं चलता, जो भी करता हूं डाउन हो जाता हूं। एक बात सत्या मान लें, अपने दुखों के कारण भी आप स्वयं हो और आप अपने सुखों के कारण भी खुद हो। सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करो। जैसे आपके विचार होंगे वैसी एनर्जी पैदा होगी, वैसी वाइब्रेशन पैदा होगी, वैसे ही कर्म पैदा होंगे, वैसे ही फल मिलेंगे। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारी कॉस्मिक बॉडी है, हमारा सूक्ष्म मन है, हमारा अलौकिक शरीर है, इसकी व्यवस्था इतनी साइंटिफिक है कि जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं ना, सब कुछ आता जाता है। और वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स सोचता है इसको ऐसा ही चाहिए, वो दे देता है। आप सबसे पहले दूसरों का भला सोचें, परिवार का भला सोचें, वो किसी के साथ भी गद्दारी करने की बात ना सोचें। जब तक आप ये नहीं सोचते हो, तब तक साधना करने का कोई राइट नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हो। साधना में गुरु के चरणों में कोई चालाकी को ना लाएं, पूर्ण रूप से नतमस्तक हो जाएं उनको, फिर बात आती है साधना की। आपको मां बगला मुखी जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा। सिंपल साधना, आप जैसे, मैं कर्मकांड के विरोध में नहीं हूं, पर जो व्यक्ति साधक होता है ना, वो कर्मकांड की फालतू बातों से निकल जाता है। जो साधक है, भक्ति करने वाला है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो ईसाई है, उसका धर्म है साधक। और आपके जो भी इष्ट हैं, जिनके ऊपर आप विश्वास रखते हो, जिस गुरु पीर के ऊपर आप विश्वास रखते हो, उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। जो भी पूजा करना,
मन वचन कर्म भाव से करना। जैसे मन से वचन से कर्म से फीलिंग से आप उसके चरणों में एक हो जाते हो तो फिर वो आपके ऊपर कृपा करते नहीं, कृपा बरसाते हैं, कृपा की बरसात होती है। जिन व्यक्तियों के दुश्मन बढ़ते जाते हैं, बीमारियां बढ़ती जाती हैं, क्लेश बढ़ता जाता है, ईर्ष्या जेलसी के कारण उनके कामों में रुकावट आ जाती है, इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, अचानक वो काम मना हो जाता है, बड़े बड़े काम हाथ से निकल जाते हैं, फाइनल मीटिंग में सब कुछ खराब हो जाता है, उन व्यक्तियों को बगला मुखी जी की साधना करनी चाहिए। मां बगला मुखी जी की साधना में पीले वस्त्र पहने, पीला प्रसाद चढ़ाएं, पीले फूल रखें, गाय के घी का दीपक जलाएं, गाय के घी का अखंड दीपक जलाएं, मौली की बत्ती का प्रयोग करें, पीले फूल चढ़ाएं, पीली मिठाई चढ़ाएं, ये सब आप जानते भी हो। नवरात्रि में एक ही मंत्र का जाप करें, एक मंत्र पकड़ लें, पूरे 9 दिन उसी मंत्र को करें और कम से कम 2 घंटे तक मंत्र को जाप करें और दिन में चलते फिरते घूमते आप जाप करते रहें जितना हो सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं बहनों में बेटियों में जब उनका वक्त पीरियड का होता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि आपको साधना नहीं करनी, आप व्रत को छोड़ दो। ये गर्भकांड का एक बहुत बड़ा नियम है पर मैं जो साधक हैं उनके लिए ये नियम नहीं है। आप इस स्थिति से ऊपर निकल जाओ, संत मत, अध्यात्मक मत, तंत्र विधान इस चीज को नहीं मानता है। आप कैसी भी स्थिति में हो, आप मां के बच्चे हो, आप पीरियड में हो नहीं हो, आप मां के बच्चे हो। ये कुदरत का दिया हुआ वरदान है, अगर ये नहीं हुए कुछ भी नहीं हो सकता। आप इस स्थिति से बेटियों बहनों से प्रार्थना करता हूं कि इस स्थिति से ऊपर निकल करके साधना करें और कन्याओं की जितनी सेवा कर सकती हैं कन्याओं को खुश रखें, घर का वातावरण पूरा आध्यात्मिक बना के रखें और मां का जो बगला मुखी जी का बीज मंत्र है उसका ज्यादा जाप करें। बीज की शक्ति बहुत बड़ी होती है, एक छोटा सा बीज जो हमें हाथ में पकड़ना भी मुश्किल होए बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और वो पेड़ हजारों लाखों पेड़ आगे पैदा कर देता है। बीज की शक्ति ऐसी है, ऐसी ही बीज मंत्र की शक्ति है। आ मां बगला मुखी जी का बीज मंत्र है हलरीम नमः, हलरीम नमः, हलरीम नमः, हलरीम नमः, हलरीम नमः, हलरीम नमः, ऐसा जाप करें, फिर धीरे धीरे जाप करें, जाप करते करते मां के चरणों में समर्पित हो जाएं। जैसे मंत्र जाप से ध्यान, ध्यान से समाधि, जैसे ध्यान लगने लगे मां के चरणों में समर्पित होकर के आपका जो संकल्प है उसको महसूस करें कि वो पूरा हो गया है, प्रैक्टिकल रूप से उसको एंजॉय करें, फिर धीरे धीरे उठें। दूसरी बात कि ध्यान में जाप में साधना में रात को जरूर बैठिएगा, जैसे रात को नींद आने लगे तो ऐसे ही सो जाएं ध्यान करते करते, 9 दिन ऐसे करें और 9 दिन में आपकी साधना जरूर सफल हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी और मां बगला मुखी जी के जाप के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग साधनाएं हैं, जो भी
संभव हो पाई और मैं आपको कहने की कोशिश करूंगा कि जो बहुत गहराई वाली साधना है वो नहीं कह सकता हूं कि कोई गलत फायदा ना उठाएं, पर जो आसान है कैसे कैसे की जा सकती है फिर बात करूंगा। माँ आपकी साधना को सक्सेस करें, सफल करें। आपके भीतर बैठी हुई माँ को, भगवान को प्रणाम करता हूं।